प्रशांत किशोर ने बताया जन स्वराज की सरकार बनने के बाद कैसे रोका जाएगा पलायन। शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता से मिलेगा लोगों को रोजगार, मजबूरी नहीं करना पड़ेगा पलायन। जन स्वराज के सुधार प्रशांत किशोर पिछले दो वर्षों से बिहार के हर जिले और प्रखंड में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जन स्वराज की सरकार बनने के बाद एक साल के भीतर बिहार से पलायन की गति को रोका जा सकता है। जनता के बीच बढ़ रहे इस सवाल पर कि आखिर किस फार्मूले से एक साल में पलायन रोका जाएगा, प्रशांत किशोर ने इसे स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां बिहार में नौकरियों के झूठे सपने दिखा रही है। कोई 5 लाख नौकरियां की बात कर रहा है तो कोई 10 लाख, जबकि वास्तविकता यह है कि बिहार में सरकारी नौकरियों की संख्या सिर्फ 23 लाख है, जो बिहार की जनसंख्या के 2% से भी कम है। उन्होंने जोर देकर कहा 98% लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है और ना ही उनके पास इस विकल्प की कोई उम्मीद है। ऐसे में जो ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी देकर पलायन रोक देंगे, ये बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि दुनिया के विकसित देशों में तरक्की का रास्ता सरकारी नौकरियां से नहीं बल्कि शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता से बना है। उन्होंने नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में लोग नौकरियां के लिए रेलवे के एग्जाम नहीं देते, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा, रोजगार के लिए सुलभ पूंजी मिलती है। यही मॉडल जन स्वराज भी बिहार में लागू करेगा। प्रशांत किशोर ने अपनी योजना के बारे में बताते हुए कहा कि अगर बिहार से मजदूरों का पलायन रोकना है तो सबसे पहले यहाँ से पूंजी और बुद्धिजीवियों का पलायन रोकना होगा। हमारे साथ 10 बड़े अर्थशास्त्री इस दिशा में काम कर रहे हैं और उन्होंने एक ठोस मॉडल तैयार किया है जिससे बिहार में पलायन को रोका जा सकता है। हम लोग कह रहे हैं कि एक साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछता आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी आरक्षण लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ। हम आपको बता रहे हैं चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख, मतलब 1.97%, 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए हैं। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी दे के पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं, कोई नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहां सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी, पूंजी की उपलब्धता। आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन स्वराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा।